स्वास्थ्य वैक्सीन लेप्टर संघ द्वारा धरना शुरू किया गया। उनकी मांग है कि उनको संविदा 2023 के मुताबिक नीति का पालन करते हुए वेतन दिया जाए, साथ ही उनकी न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये रखी जाए। इसको लेकर आज वो शास्त्री पार्क के सामने धरने पर बैठे। आपको बता दूं कि प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर ये आह्वान किया गया है, जिस पर आज गुना जिले में भी यहां पर वर्कर्स हड़ताल पर बैठ चुके हैं और उनकी मांगे हैं कि उनको संविदा नीति का पालन करते हुए वेतन दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं आया हूं मानसमान पार्क, जहां पर आपको बता दूं स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्टर संघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। किस तरह की मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे हैं संविदा नीति 2023 का लाभ प्रदान किया जाए। हम विगत 15 वर्षों से COVID-19 में भी हमने कार्य किया और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हम निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन शासन ने सभी विभागों का लाभ प्रदान किया, लेकिन एबीडी भाइयों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय और प्रशासन को कई बार हमने आवेदन दिए, लेकिन हमारे आवेदनों पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। कब से आप लोग पदस्थ? हम 2008-09 से NRHM के द्वारा रखे गए थे ABD अल्टरनेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर। तो कितने लोग होंगे टोटल आप? हम टोटल मध्य प्रदेश में 6,000 के लगभग हैं। गुना जिले में 55-56 ABD भाई हैं। गुना में अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग PSC में 5-5, 6-6 हैं। तो अभी तक जो आपकी मांगे अभी पूरी नहीं हो रही? कोई मांग पूरी नहीं हो रही। बीच में एक लेटर भी शासन द्वारा निकाला गया था कि इनका मानदेय हमारा एक तरफ से जाने का सिर्फ पैसा मिलता है 30 किलोमीटर, आने का कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि हमारा वैक्सीन ले जाने के बाद वापस फोकल पॉइंट पर जमा भी करना पड़ती है, लेकिन आने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। और उसी जो हमें मिलता है 30 किलोमीटर तक 125 रुपये में ही जाना है और 125 में ही आना है। 3 सत्र लगेंगे, मात्र 450 रुपये मिलते हैं। उसी में पेट्रोल खर्च है, उसी में गाड़ी का खर्च है, उसी में हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे संभव होगा आज की महंगाई के युग में। अभी आपको संविदा की जो नीतियां उसके मुताबिक आपको वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि हमें भी संविदा नीति 2023 का लाभ प्रदान किया जाए, शासन से यही हमारी मुख्य मांग है। देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो लिफ्टिंग वाले कर्मचारी हैं, उनकी मांग है कि उनको संविदा की तरह ही लाभ दिया जाए। इसको लेकर वो आज धरने पे बैठे हुए हैं और उनका धरना जब तक चलेगा, उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।